अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है लव एंड रिलेशनशिप। तो ये मोहब्बत का टॉपिक एक्चुअली बहुत ऑड समझा जाता है और शजर ममनुआ समझा जाता है हमारे माशरे में, बहुत शर्म के मामलात में आता है ये, और इस पर इतनी डिस्कस या डिबेट नहीं की जाती है, और इसको ऐसा समझा जाता है कि इस पर इतनी बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत पावरफुल जज्बा है और ये सारे जज्बात को कंट्रोल करता है और सारे जज्बात पर असरअंदाज होता है। जैसे एक धागे में मोती पिरोए हुए होते हैं तो वो धागा जो है वो सारे मोतियों को पिरो कर रखता है और उनको कीप करके रखता है। तो इसी तरह और अल्लाह ताला ने ये कायनात जो है ये दुनिया मोहब्बत के लिए बनाई है, तो इससे इसकी ताकत का अंदाज़ा होता है कि ये इतना पावरफुल जज्बा है कि जो इंसान को जो तब्दील कर देने की सलाहियत रखता है। क्योंकि हमारे कल्चर, रिलीजन और मीडिया के थ्रू हम इसको सीखते हैं, जैसे लड़का लड़की जो है वो कबूतरों के थ्रू मैसेज भेजते थे, या फिर काम वाली के थ्रू, या बच्चों के थ्रू, या फिर पत्थरों पे वो बांध कर, धागा बांध कर तो वो फेंका जाते थे मैसेज। तो मोहब्बत बेसिकली फीलिंग्स का नाम है। जैसे ही बच्चे टीन एज में आते हैं तो वो उनके अंदर डेवलपमेंट होती है, ये एक नया जज्बा इंट्रोड्यूस होता है उनके लिए। एक नई फीलिंग्स का एहसास होता है उन्हें, और ये उस एज में बहुत, चूंकि इब्तदाई होता है तो बहुत पावरफुल होता है, और उस एज की जो मोहब्बत होती है वो बहुत तूफानी होती है। लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि अभी उनकी डेवलपमेंट होनी है, इसकी ग्रोथ होनी है जज्बे की। अभी ये बहुत अफसोसनाक वाकयात भी होते हैं, जैसे बच्चे खुदकुशियां कर लेते हैं, घरों से भाग जाते हैं। वो सीखते कहाँ से है मोहब्बत, या तो फिर अपने इर्द गिर्द फैमिली से, उनके जो कज़न्स हैं वो, या फिर जो सोसाइटी है इर्द गिर्द उनके, और या फिर मीडिया है, और उसका सबसे बड़ा जो है वो मूवीज़ हैं, गाने हैं, उनके थ्रू वो मोहब्बत करना सीखते हैं। और उसमें एक ही चीज़ दिखाई जाती है कि एंड उसका शादी है और मिल जाना है। अगर मोहब्बत नहीं मिली है तो सारी ज़िंदगी बैठ के रोना है और अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है, दूसरों की भी साथ ज़िंदगी ख़राब करनी है। एक अगर किसी और के साथ शादी हो गई है तो इनोसेंट पर्सन की भी ज़िंदगी ख़राब कर देनी है, क्योंकि उसमें कोई उनको कोई अट्रैक्शन ही नहीं नज़र आती है। वो कहते हैं कि ये तो मेरी मोहब्बत नहीं है, तो चाहे वो कितनी भी अच्छी से अच्छी और बेहतरीन बच्चा या बच्ची हो, लेकिन वो उसमें वो ऐनक, उनकी जो मोहब्बत जो पहनी हुई होती है ऐनक, वो नहीं उतरती है। वो कहते हैं कि नहीं, बस वो जो मेरा महबूब था उसमें ही सारी खूबियाँ थी, सब कुछ था। तो ये मोहब्बत कहाँ से वो सीखते हैं? फिल्मों से। और फिल्मों में और गानों में सिर्फ एक ही तरह की मोहब्बत दिखाई जाती है। मोहब्बत का ये जुज़वी पहलू दिखाया जाता है, कंप्लीट मोहब्बत के हर पहलू को नहीं दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, और ना मूवीज़ पे डिबेट की जाती है, ना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जो मीडिया है ये हमारी यंग जनरेशन को बहुत मुतासिर कर रहा है, और ये सीखने का बहुत बड़ा टूल है, तो इस पर तनकीद भी होनी चाहिए। जैसे कि सियासत में अपोजिशन होती है, तो जब तक तनकीद नहीं होगी तो वो शोभा जो है कभी भी निखर नहीं सकता है, वो उसकी सिम दुरुस्त नहीं हो सकती है। ले दे के एक कैमरा रह जाता है कि वो सिर्फ वही चीज़ों को सेंसर लगा देता है, जहाँ कोई बहुत वल्गर सीन देखा या बहुत कोई न्यूडिटी देखी तो उसको कट कर दिया, उस सीन को रिमूव कर दिया, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। तो सो ये खुद ही करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई इदारा बनाना पड़ेगा, या कुछ लोगों को इसमें आना पड़ेगा कि जो इस पर तनकीद करें और उनकी सिमत को दुरुस्त करें, और कि सारे पहलुओं को उजागर किया जाए ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये एक पावरफुल जज्बा है। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि ये आपकी शख्सियत की तामीर करता है। जितना मोहब्बत के थ्रू सीखता है इंसान और लर्न करता है, चूँकि मोहब्बत के में इंसान मजबूर हो जाता है और वो मजबूरन सीखता है, तो चूँकि इंसान इससे बहुत लर्न करता है और सीखता है, तो फिर मूवीज़ में दिखाना चाहिए कि मोहब्बत सिर्फ एक मोहब्बत नहीं है जिस पर फोकस किया जाता है कि सारी दुनिया को छोड़ दो, बस इस मोहब्बत को गेट कर लो। इसी तरह हमारी हीर रांझा, ससी पुन्नू और जो पहले प्रीवियस थी उसमें भी यही था कि हासिल करने का नाम ही मोहब्बत है। अगर आप हासिल नहीं कर पाए तो बस अब आप या तो सारी ज़िंदगी रो धो के गुजार दो या मर जाओ। बाकी और भी मोहब्बतें हैं, तो इन सब मोहब्बतों को साथ लेकर चलना है।
अगर आपको अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी बनानी है तो इन सारी मोहब्बतों को साथ लेकर चलना है, किसी भी मोहब्बत को छोड़ना नहीं है, सिर्फ एक पर फोकस करके सारी दुनिया को नहीं छोड़ना, जैसे यूजली कंसेप्ट दिया जाता है मूवीज़ में, कोई लड़का या लड़की किसी को पसंद करता है और पेरेंट्स पे एग्री नहीं होते हैं, उनको सॉलिड रीज़न बताते हैं, तो अगर वो उसके लिए सेक्रीफाइस करता है तो ये बताना चाहिए कि ये उसको कितना स्ट्रांग बनाएगा। उसने जो सेक्रीफाइस किया ये अनरिवॉर्डेबल नहीं है, बहुत रिवॉर्डेबल है, इससे उसकी शख्सियत मज़ीद संवरेगी, सुधरेगी और मजबूत होगी। बहुत सारे जेन्युइन रीजंस आ सकती हैं, तो उसकी रीज़न पर अगर कोई सेक्रीफाइस करे, छोड़े, तो उससे उसकी शख्सियत मजीद पावरफुल और स्ट्रांग होती है। जो भी आपकी किस्मत में है वो खुद आपके घर तक चलकर आएगा, उसको तकदीर खींच कर लाएगी आपकी ज़िंदगी में। ये हो नहीं सकता कि आपकी तकदीर में कोई है और वो आपको ना मिले, तो सो उसके लिए नेगेटिव वेज ना अपनाएं कि जैसे घर से भागना, खुदकुशी करना, कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज करना, अपने लिए भी मसाइल पैदा करना और अपने पेरेंट्स के लिए भी मसाइल पैदा करना, और मसले जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं तो वो पैदा करना। नेगेटिविटी से बचें, क्योंकि नेगेटिविटी से आप जो भी काम करेंगे, जो भी चीज़ गेट करेंगे, वो एट द एंड उसका रिजल्ट नेगेटिव ही निकलेगा, वो कभी आपको खुशी नहीं देगी। मूवीज़ में सिर्फ पहले की लाइफ, शादी से पहले की लाइफ दिखाई जाती है, उसके बाद का जो शुरू का टाइम है, मिडल एज है और ओल्ड एज है, थ्रू आउट मोहब्बत चलती है उसमें, वो सब कुछ नहीं दिखाया जाता है, जिसकी वजह से एक कंप्लीट पिक्चर लोगों के माइंड में नहीं आती है। उनको सिर्फ वही जो पहले का फैंटेसी एक वो पीरियड है वही दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो एक टेम्प्रेरी फैक्शंस होती हैं, एहसास होता है एक दूसरे के साथ, वो जैसे जैसे ज़िंदगी में एहसास कम होना शुरू होता है तो फिर वो मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है, फिर आप उसको क्या नाम देंगे। जो आपने एक दूसरे को पोर्ट्रेट किया था, उसने भी अपने आप को बहुत बेस्ट लड़की बन के दिखाया था और लड़के ने भी अपने आप को बहुत बेस्ट लड़का बन के दिखाया था, वो सारा जो है वो ऊपर से उतर जाता है जब वो गोल्डन पेपर उतरता है, और रियल जब रियलिटी नज़र आती है एक दूसरे की, तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स बनते हैं और मसाइल पैदा होते हैं। इन शॉर्ट, मूवीज़ में और ड्रामों में थ्रू आउट लाइफ दिखानी चाहिए, शुरू की लाइफ है, मिडल एज है और एंड ओल्ड एज है, वो सब दिखानी चाहिए। बाकी मोहब्बतें उनको किस तरह वो साथ लेकर चल रहे हैं, किस तरह से वो एक कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये मूवीज़ में दिखाना चाहिए, कंप्लीट मोहब्बत की पिक्चर दिखानी चाहिए। मैंने अपनी अदना से ये कोशिश की है, जो मेरे जज्बात थे, फीलिंग्स थी, उनको मैंने एक्सप्रेस किया है। बेबी आप इसे एग्री करते हों या डिसएग्री करते हों तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और मैं इस मौजू पर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी ताकि इसका सारा फुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और एक कामयाब लाइफ गुजार सकें।